अस्सलाम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, लॉट ऑफ गाइज हैव बीन आस्किंग मी के प्लीज़ अगर आपको कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्या मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस खुल रहे हैं कि नहीं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस 15 सितंबर से खुल रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे कॉलेज से मुझे मिली है, जो कि जाहिर सी बात है क्लास ग्रुप्स में शेयर हुई। मुताबिक उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, उसके मुताबिक ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कॉलेज में नहीं बुला रहे, और कब बुला रहे हैं इसकी अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई। ठीक है, अजम्पशन है कि हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम या प्रॉफ्स के लिए बुलाएं। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स ये स्टार्ट करें जूम पर। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें, तो वीडियो को बिल्कुल भी 10 सेकंड्स आगे आगे करके मत देखिएगा। सुकून से वीडियो देख लें ताकि आपको आगे इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इसके बाद है प्रैक्टिकल्स ऑफ वार्ड रोटेशन, जो कि 3rd ईयर से स्टार्ट होती हैं। वो कह रहे हैं कि ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद असेसमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि जो असेसमेंट्स हैं वो लोग 3 असेसमेंट लेंगे, सेकेंड असेसमेंट और 3rd या फाइनल असेसमेंट, जो कि सेंड अप होगा। फर्स्ट असेसमेंट जो होगी वो लेंगे 1st half of September में। और इसका जो सिलेबस होगा वो ये होगा कि जो कोर्स अब तक हम कवर कर चुके हैं क्लासेस में। ठीक है, सेकेंड असेसमेंट लेंगे मिड ऑफ द टीचिंग टाइम, जो भी उन्होंने टीचिंग ड्यूरेशन दी है, जो कि मोस्ट प्रॉबली प्रॉफ से 1 महीना पहले तक है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा टीचिंग टाइम है वो है प्रॉफ से 1 महीना पहले तक। जो 1 महीना है उसकी उन्होंने हमें प्रेप लीव देनी है। तो जो टीचिंग टाइम है उसका जो मिड है, मोस्ट प्रॉबली अक्टूबर जो है, अभी यही है कि अक्टूबर में वो हमारी सेकेंड असेसमेंट लेंगे। ठीक है, और जो 3rd असेसमेंट है, जो फाइनल असेसमेंट है, जिसको हम स्टैंड अप भी कह रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द टीचिंग टाइम, जो कि मोस्ट प्रॉबली नवंबर या दिसंबर होने वाला है। ठीक है, अगर जनवरी में प्रॉफ्स हुए तो दिसंबर की प्रेप लीव्स होंगी, और नवंबर के एंड में हमारा 3rd असेसमेंट होगी। जो 2nd असेसमेंट है उसमें जो कोर्स होगा वो होगा जो कि हमने उस टाइम तक कवर कर लिया होगा, मिड ऑफ टीचिंग टाइम तक जो भी हमने कवर कर लिया होगा वो होगा, और साथ के साथ जो हमने फर्स्ट असेसमेंट का कोर्स कवर किया होगा वो होगा। 3rd असेसमेंट में फर्स्ट असेसमेंट का भी कोर्स होगा, 2nd का भी कोर्स होगा, और जितना भी टीचिंग टाइम में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ होगा। गाइस, तो बी रेडी, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है हमारा भी। ठीक है, उसके बाद प्रेप लीव्स के बारे में उन्होंने कहा है कि 4 वीक्स की प्रेप लीव्स वो लाजमी देंगे। अच्छा, आई स्टिल फील द पेन फॉर द स्टूडेंट्स जो कि जिनका जुलाई में एडमिशन है और अभी तक वो कॉलेज भी नहीं गए। गाइस, अजान हो रही है, हम उसका वेट करेंगे, उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें इंटरनल असेसमेंट की जो मार्क्स कैलकुलेशन है वो बताई है। फर्स्ट टेस्ट जो है उसकी वेटेज होगी 12.5% टोटल इंटरनल असेसमेंट के जो हमारे पास मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसकी वेटेज 12.5 होगी, सेकंड टेस्ट की 12.5 होगी, मतलब 2.5 मार्क्स इंक्लूड होंगे उसके। ठीक है, थर्ड टेस्ट की हमारे पास 25% होगी, प्रैक्टिकल की 25% होगी, लेक्चर अटेंडेंस हमारे पास 12.5% यानी 2.5 मार्क्स इंक्लूड होंगे उसके, और प्रैक्टिकल अटेंडेंस भी हमारे पास 12.5% इंक्लूड होगी, यानी उसके भी 2.5 मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द होल, जो कि इस टाइम होल सिनेरियो जो भी इस टाइम चल रहा है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट कि क्या डेट है, कब खुल रहे हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स आराम से घर बैठे और घर बैठ के पढ़ें। और गाइस, आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसको स्टेबल कर लें किसी तरह, क्योंकि मैंने सुना है कि व्हाट आई हैव हर्ड, हमारे लेक्चर्स तो 8 to 2 हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस की क्लासेस हो भी रही हैं, और जिनकी नहीं हो रही है वो मोस्ट प्रॉब्ली अब 2nd सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिसेज आने लगे हैं। तो अपना नेट कनेक्शन स्टेबल कर लें। जूम के लिए आपको जीमेल की आईडी चाहिए होती है, तो अगर आप लोगों का किसी और ईमेल, अगर किसी और अकाउंट पे आप लोगों का ईमेल है, किसी और ईमेल पे आपका अकाउंट है, जो भी
जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल याहू हॉटमेल जो भी है वो आप लोग जीमेल पे ले आए, ठीक है, जीमेल, जूम वर्क्स ऑन जीमेल, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे कॉलेजेस में वो गूगल क्लासरूम के भी अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो गूगल क्लासरूम पर पोस्ट करेंगे। तो इफ़ आई मिस समथिंग तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू देयर, और या इंस्टाग्राम पेज पे पूछ लें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस मीन्स अ लॉट, ठीक है। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो पर और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर दें, इट्स नेवर टू लेट। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करें, मेरा दिमाग बिल्कुल घूमा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।